अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मेरा नाम तो जमल है और ये है आज की हमारी टेक डायरी। कल भी भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कल मैंने ना टेक डायरी को शूट किया, जब शूट करके एडिट करने लगा ना, तब पता चला माइक सही से नहीं लगा हुआ था। बहुत बड़ा प्रैंक हो गया हमारे साथ। लेकिन आज की टेक डायरी में बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, जैसा कि इन्फिनिक्स नोट 12 का डिज़ाइन थोड़ा सा हुआ रेंडर्स उसके बाहर, रियलमी C35 कब आएगा, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, टेक्नो के भी कैमन 19 सीरीज की आ गई खबरें बाहर, ओप्पो रिनो 8 सीरीज में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, लैपटॉप अब होने वाले हैं सस्ते, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आज की टेक डायरी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज से, जो कि एप्पल वॉच की तरफ से आ रही है। एप्पल वॉच ने काफी सारे लोगों की जान बचाई है। आपने काफी सारी न्यूज़ें भी सुनी होंगी कि किसी भी बूढ़े इंसान की, किसी इस इंसान की एप्पल वॉच ने जान बचाई है। बेसिकली होता है ऐसे, जैसे ही आपका बीपी या पल्स रेट डाउन जाता है तो एप्पल वॉच को पता चल जाता है कि भाई आप मरने वाले हो, सॉरी टू से। तो वो जो होते हैं ना, इसके SOS नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस के नंबर है, उस पर कॉल कर देता है कि यहाँ पे भाई पहुँचो, यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान भी बची थी। लेकिन वो आपकी सिम और मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपकी एप्पल वॉच जो नहीं आएगी ना, वो GPS के साथ कनेक्ट होगी। तो आपको कोई भी सिम की ज़रूरत नहीं है, आप जंगल में भी हो, जहाँ पे भी हो, सिग्नल नहीं भी आ रहे, तब भी SOS मैसेज आप किसी भी थ्रू भेज सकते हो। तो यही वाला जो फीचर है, ये कहा जा रहा है कि iPhone 14 जो सीरीज़ आ रही उसमें भी ये चिप आपको देखने को मिलेगी। मतलब कोई SOS आपने कोई भी मैसेज वगैरह भेजना हो, GPS के थ्रू आप iPhone 40 सीरीज में भी भेज सकते हो। तो काफ़ी तगड़ी चीज़ है, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Realme C35 और C31 UK की मार्केट में लॉन्च कर दिए गई। डिज़ाइन की बात हो तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। ये वाला डिज़ाइन आपको Realme 9i सीरीज में देखने को मिले, GT Master सीरीज में देखने को मिले। तो ये सारी जो सीरीज आ रही है ना, सब में यही हमें डिज़ाइन देखने को मिले। तो इंटरेस्टिंग थोड़ी स्पेसिफिकेशन, अगर प्राइस को देखा जाए तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है। सबसे पहले अगर C35 की बात, इसमें आपको यूनिसोक T16 देखने को मिलता है, जो कि यूनिसोक का एक प्रोसेसर है, थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रोसेसर देखने को मिलता है। मीडियाटेक हीलो G80 के अराउंड आपको परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर देता है। बाकी आपको एक HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, 50MP का बैक कैमरा और 13MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। दो वेरियंट लॉन्च किए गए UK में, 4GB 64GB कन्वर्ट किया जाए तो 35,000 बनता है और 4128 40,000 का अराउंड बनता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर मेड इन पाकिस्तान के फैक्टर लगाए जाएँ तो आई थिंक के 4128 वाला 30,000 के अराउंड C35 आ सकता है, और आना भी इसी प्राइस टाइम में चाहिए, क्योंकि C35 जो सीरीज ना, सी सीरीज, ये बजट रेंज की सीरीज है, तो बजट में इसको रहने दे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च डेट नेक्स्ट मंथ के आपको लास्ट में ये देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन, लेकिन इस मंथ में आपको Realme 9 Pro Plus देखने को मिलने वाला है। अब Realme 9 Pro Plus की बात हो रही है तो आपको बताता चलो, इस मंथ के 18 को आपको Realme 9 Pro Plus पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिलने वाला। लॉन्च इवेंट है, स्पेशली उसका स्पेसिफिकेशन बहुत ही तगड़ी है भाई, अंत लेवल डिवाइस है ये, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। डिज़ाइन काफ़ी ऑसम देखने को मिलता है, साथ में डोमेस्टिक 920 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। गेमिंग की बात कर लो, नॉर्मल यूजेज की बात करूँ, सब चीज़ों में ये काफ़ी तगड़ा है। 50MP का आपको OIS कैमरा देखने को मिलता है, 90Hz का AMOLED डिस्प्ले, बाकी आपको 60W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। प्राइसिंग अभी कंफर्म नहीं इसकी क्या होने वाली है, लेकिन मेरे लिहाज से इसकी प्राइसिंग 50,000 से 60,000 करूँ कहीं भी स्टैंड कर सकती हैं, और पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान अगर हुआ तो 50-52,000 इतने अगर आता है तो भाई एंड लेवल है ये। जो ओप्पो आया ना अभी, ओप्पो रिनो 5 आया और रिनो 6 आया, जो भी है ओप्पो F सीरीज़ का आया, F21 प्रो आया, उससे तो लाख गुना बेटर डिवाइस होगी ये। बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको बताया कि इन्फिनिक्स का नोट 12 आने वाला है, और भाई काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर ही लिस्टेड भी होना स्टार्ट हो चुका है। डिज़ाइन की बात करें तो ये वाला आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ओरिजिनल जो डिज़ाइन होता है ना, रेंडर जो कैड पे रेंडर होते हैं, वो अभी बाय नहीं है, लेकिन ये वाले जो तस्वीर बाई आई है ना, ड्रॉ की हुई है, ड्राइंग वगैरह जो कि मोबाइल फोन को बनाने से पहले ड्रॉ की जाती है, इस लिहाज से देखा जाए तो आपको दो बड़े कैमरा लेंस ही देखने को मिलते हैं, एक छोटा सा नीचे कैमरा लेंस देखने को मिलता है, और आपको लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा मेरे हाथ से वो LED फ्लैश देखने को मिलेगा। मतलब तीन कैमरा आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 50MP का मेन कैमरा होगा मेरे लिहाज से, जो मुझे लगता है। बाकी G96 का प्रोसेसर, 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, AMOLED डिस्प्ले होगा जो कि इस वाले नोट 11 में देखने को मिलता है 60Hz का। तो बाकी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन काफ़ी तगड़े लग रहे हैं, जैसे ही आएगा आपको किसी टेक न्यूज़ में सब कुछ इसके बारे में लाजमी बताएंगे। वही नेक्स्ट टेक्नो की बात है तो भाई टेक्नो की कैमन 90 सीरीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं। भाई कैमन 90 सीरीज़ के भी स्मार्टफोन के रेंडर्स बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी भी सर्टिफिकेशन होना स्टार्ट कर दी है टेक्नो ने। काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई करना पड़ता है ना इनको, तो उसके मुताबिक ये वाला जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, ये टेक्नो कैमन 19 सीरीज़ का होगा। इसमें आपको दो बड़े कैमरा लेंसेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि हवावे P50 सीरीज़ में देखने को मिले थे। मेरे लिए ऐसे बड़े कैमरा लेंसेज होंगे, उसमें छोटे छोटे कैमरा लेंस डाल के देंगे। डिज़ाइन तो काफ़ी यूनिक है। ये वाला डिज़ाइन अगर 2 लाख वाला
सस्ते में आ जाता है, 30-40 हज़ार में आ जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, लेकिन आएगा तो अभी देखेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशन इसमें कंफर्म नहीं है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, लेकिन जैसे कोई स्पेसिफिकेशन आएगी आपको किसी टेक न्यूज़ में लाजमी बताएंगे। तो वो जानने के लिए पता क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि भाई हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, ऐसी जो न्यूज़ होती हैं तो आपको वो देखने को मिल जाएँ। इनफिनिक्स की एक डिवाइस इनफिनिक्स हॉट 12i, काफ़ी दिन से मैं बता रहा हूँ कि इनफिनिक्स हॉट 12i का डिज़ाइन और हॉट 12 सीरीज का डिज़ाइन लीक हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसा देखने को मिलता है आज नाइजेरियन मार्केट में ये स्मार्टफोन लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो A22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि किसी भी लिहाज से इस पैटर्न को जस्टिफाई नहीं करता। एक एंट्री लेवल आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, बाकी कैमराज भी नॉर्मल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर नाइजेरियन मार्केट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस आती है 61,800 नाइजेरियन प्राइस है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 27,000 रुपये, तो किसी भी लिहाज से A22 27,000 में तो जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मेड इन पाकिस्तान ये स्मार्टफोन आते तो 20,000 के अराउंड कहीं हमें इनफिनिक्स हॉट 12i देखने को मिल सकता है, और हॉट 12 आपको 25-26 हज़ार अराउंड देखने को मिलेगा। ये दो स्मार्टफोन अभी कंफर्म किए जा रहे हैं कि आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान मार्केट में, और हॉट 12 सीरीज है ना ये पाकिस्तान में ईद के पहले आई थिंक लॉन्च कर दी जाएगी। बहुत जल्द न्यूज़ आपको बताने वाला, ब्रेक करने वाला, तो वही चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार, बहुत सारी न्यूज़ होते हैं जो कि आपको बताने का दिल करता है लेकिन आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दो, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ओप्पो ने A57 चाइनी मार्केट में लॉन्च कर दिया है, शायद ये पाकिस्तान मार्केट में भी आए, क्योंकि ओप्पो की ए सीरीज हमें रिसेंटली पाकिस्तान मार्केट में देखने को मिलती रही है, तो अब ये भी शायद देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर बहुत एंड लेवल का, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन नॉर्मल सी है। डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बाकी आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल फोन की प्राइस की बात करें तो इसकी जो चाइनीज प्राइस है वो 1500 युआन है, जो कि पाकिस्तानी 43,000 रुपये बनते हैं। अगर ये पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान आता है तो डायमेंसिटी 810 40,000 के अंडर आता है, चाहे कैमराज ना भी अच्छे हों, लेकिन एक डिवाइस ये गेमर्स के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि 810 भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, तो गेम नहीं यार वैसे भी गेमिंग के लिए कैसे कह सकते हैं यार, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि अच्छा कैमरा भी तो होना चाहिए ना, 40,000 कैटेगरी में हमें अच्छे कैमरा अच्छी गेमिंग सब कुछ देखने को मिलता है, तो इसमें कैमरा तो अच्छे हैं ही नहीं है, तो गेमिंग का चार डालेंगे हम, तो देखते हैं ये स्मार्टफोन क्या पाकिस्तानी मार्केट में आता है। कल की टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताना कि भाई ओप्पो F21 Pro पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च कर दिया गया, जो कि 53,000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि आपको एक 53,000 रुपये भरने की ज़रूरत हो, ना तो आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 680 किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं करता कि 53,000 का उसको स्मार्टफोन बना दिया जाए। बाकी कैमराज भी नॉर्मल से देखने को मिलते हैं, इतनी कोई तगड़ी चीज़ है नहीं कि इन्होंने जितनी प्राइस रख दी थी, हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे 50,000 के अंडर देखने को मिलेगा, क्योंकि ओप्पो F19 Pro जो था इनका, उनकी प्राइस कट की वो 50,000 का राउंड था, तो उसको आप 45 पे ले आए, तो ये 50,000 में भी आता तो हमें 46-47 का ये देखने को मिलता प्राइस कट के बाद, तो आई थिंक फिर भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन वाइज हम ले सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आप बिल्कुल भी बात स्मार्टफोन की तरफ जाइए, और काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। GT मास्टर एडिशन आपको यूज़ में देखने को मिल जाता है, नए की बात करें तो नए में भी आपको काफ़ी अच्छी डिवाइसेस वीवो की भी देखने को मिल जाती है, V21 देखने को मिल जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है, तो ये डिवाइस अच्छी नहीं है। पिछली टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि ओप्पो रीनो 8 सीरीज का डिज़ाइन लीक हो चुका है, ये सेम डिज़ाइन ना OnePlus 10 Pro जैसा आपको देखने को मिलता है, मतलब ये सारी भाई बहन कंपनियां तो आपस में शेयर करती रहती हैं सब कुछ, इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मर्ज कर दिए, अब ये डिज़ाइन भी मर्ज करने जा रहे हैं। ओप्पो रीनो 8 में आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है, सेम आपको OnePlus 10 Pro देखने को मिलता है, और अब कहा जा रहा है कि ये स्नैपड्रैगन Gen 7 के साथ में देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ में, ये हमने पहले प्रोसेसर देखने को मिला, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, ये 7 Gen 1 है, उससे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, एक नया प्रोसेसर है, अभी ये बाहर नहीं आया, तो कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहला स्मार्टफोन होगा ओप्पो रीनो 8 जो कि इस प्रोसेसर के साथ में आएगा, तो देखते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है इस स्मार्टफोन में। शाओमी भाई ग्लोबली एक अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जो कि रेडमी 10 सीरीज का होगा, ये रेडमी 10A होगा, जो 9C आया था ना डिज़ाइन सेम वैसा देखने को मिलता है, आपको कैमरा बम वैसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कैमरा बम पर वो ब्लैक साइज है वो बढ़ा दिया गया, बाकी कैमरा शेप आपको वैसे ही देखने को मिलती है। मीडियाटेक का G25 का प्रोसेसर है, 720p का डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और आपको बाकी 4GB रैम, 64GB बिल्ट इन स्टोरेज और 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो कुछ भी चेंज नहीं किया गया। रेडमी 9C में भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता था G25, और इसमें भी वही देखने को मिलता है, हाँ डिज़ाइन थोड़ा सा बदल दिया गया, बाकी आपको सारी स्पेसिफिकेशन वैसी देखने को मिलती है, और प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, और कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये फ़ोन 20-22 हज़ार अराउंड आ सकता है, G25 है इसके ऊपर जाता है, तो
ओवरप्राइस स्मार्टफोन होगा। तो शामी को ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एग्रेसिव आए, क्योंकि अब इनके भी प्लान सुन रहा है कि सुनने में आ रहा है कि छोटे वाले जो फ़ोन है वो मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गए। तो ये छोटा वाला है तो सब्सिडाइज का है कि 16-17 हज़ार में भी आ सकता है, वहाँ पर आता तो मैं अच्छी डिवाइस कहूँगा इसको नॉर्मल यूजेज के लिए। ग्लोबल लैपटॉप की सेल्स भाई डाउन आ चुकी हैं। जिसने लैपटॉप लेने थे सारे लोगों कहने लगा था भाई पंजाबी बोलते तो ऐसे ही होता ना, क्योंकि हमारे पंजाब में रहते तो पंजाबी बोली जाती है ना, तो भाई साइड पे रखते हैं। भाई लैपटॉप की सेल्स काफ़ी डाउन आ चुकी है। सबसे पहले तो क्रोम बुक की सेल काफ़ी डाउन आ चुकी है। क्रोम बुक लोगों ने ली थी जस्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि वो लाइट होता है, लाइट वेट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसमें बैटरी टाइमिंग अच्छी देखने को मिलती है, थोड़ी सी कम भी प्राइस होती है, लैपटॉप जो होते हैं ना उससे थोड़ा सा सस्ते मिलते हैं। तो अब उनकी तो स्पेशली क्रोम बुक की सेल जो है वो नीचे आ चुकी है। वहीं लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सेल कम देखने को मिली है। तो ये पहले तो आया था कोरोना, इसी वजह से लैपटॉप ये सारे बिके थे कि होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम करना था, तो इसी वजह से सेल हुए थे। लेकिन शायद कि अब ये प्राइजेस कम हो जाएँ लैपटॉप की और हमें कम प्राइजेज में देखने को मिल जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर यहाँ पर लग जाता है। अगर डिमांड कम है तो ऑटोमेटिक प्राइजेस कम हो जाएंगे कि लोग ज़्यादा खरीद लें, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो देखते हैं कैसा होता है ये सब कुछ। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हम टेक न्यूज़ या टेक डायरी के एंड पर एक किसी बंदे का क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर करते हैं। आप इस टेक डायरी का हिस्सा बन सकते हो, जस्ट आपने कमेंट करने नीचे, नेक्स्ट टेक डायरी जो आएगी उसमें आपका अगर कमेंट अच्छा हुआ तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज का कमेंट आता है एस पांडा की तरफ से, स्नेक पांडा है, पता नहीं आगे स्नेक बना हुआ, कहते हैं इनफिनिक्स अपने मोबाइल फ़ोन की शेप वन प्लस की कॉपी कर रहा है, अभी आप हॉट 12 को ही देख लो। जी हाँ भाई, ये कर रहा है कॉपी भाई, क्योंकि ना डिज़ाइन कोई बचा नहीं है दुनिया में, अभी कोई नया कोई डिज़ाइनर आएगा ना तो वही नया डिज़ाइन करेगा, बाकी सारी मोबाइल फ़ोन कंपनी भी ऐसे ही कर रही है। वन प्लस का आप देख लो, वन प्लस 10 प्रो जो आपको देखने को मिलता है, अब वही आपको ओप्पो रिनो 8 सीरीज़ में देखने को मिलने वाला डिज़ाइन, और अब इन्फिनिक्स ने भी काफ़ी सारे डिज़ाइन कॉपी किए, जैसे कि इन्फिनिक्स 05G आपको ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज जैसा देखने को मिलता है, और ओप्पो वाले कॉपी करते हैं आईफोन की, सैमसंग वाले करते हैं, इन सारे ब्रांड की, ये सारे आपस में मिलके हमको पागल बना रहे हैं यार। अब पता है बात क्या है, डिज़ाइन है ना सारे मार्केट से ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई नए डिज़ाइनर आएगा तो अब यही हो सकता है पीछे वो बड़ा कैमरा लेंस लगा दें जो कैमरा में DSLR में लगता है, और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो देखते हैं आगे डिज़ाइन इंप्रूव होते हैं जाके, नहीं होते, कोई नया डिज़ाइन आता ही नहीं आता, अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही है कि हमें ऐसे ही डिज़ाइन देखे हो, मेरे को यहाँ से कॉपी किया, कोई थोड़ा सा वहाँ से उठाया हुआ है, तो देखते हैं आगे जाके डिज़ाइन हमारे कैसे आते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, और बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, खुदा का वास्ता चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको भी फायदा है, आपको न्यूज़ ही देखने को मिलती है, ऐसी अच्छी अच्छी हम न्यूज़ आपको बताते हैं। तो चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।